हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में। ये कंपनी में रिस्क तो बहुत हाई है, पर मुझे लगता है इस कंपनी में पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा हाई है। और वो पोटेंशियल क्यों है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जनरली मैं एनालाइज नहीं करता ऐसे छोटी कंपनीज, और एनालाइज भी करता हूं तो हम देखते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते हैं, गवर्नेंस के या कोई ना कोई इश्यूज होते हैं। उसमें जनरली रिस्क भी बहुत हाई होता है। हालांकि रिस्क ये कंपनी में भी काफी हाई है, पर कुछ ऐसी वजह है जिसके लिए वजह से मुझे लगता है कि इस कंपनी में पोटेंशियल भी बहुत हाई है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। ये एक स्टॉक ऐसा हो सकता है जिसे अगर किसी ने जल्दी पकड़ लिया तो उसके पोर्टफोलियो का अगले 8-10 सालों का रिटर्न बहुत अमेजिंग होगा। तो चलिए इस कंपनी के एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलूज आपको बताऊंगा मैं इस कंपनी के बारे में, पर इस कंपनी को समझने के पहले इसके फाउंडर को समझना जरूरी है। क्योंकि जब कंपनी स्मॉल होती है दोस्तों, तो हम जानते हैं कि उनके जो फाउंडर होते हैं वही ड्राइव करते हैं कंपनी को। और इनिशियली जब तक वो कंपनी में डाइवर्सिफिकेशन नहीं आता, बहुत सारे रेवेन्यू सोर्सेस नहीं आते, एस्टैब्लिश नहीं होते, बहुत सारी चीजें नहीं आती, तब तक फाउंडर्स पे ही सब कुछ डिपेंड करता है कि वो कहां तक उस कंपनी को ले जा सकते हैं अपने दम पर। तो क्या हम फाउंडर पे भरोसा कर सकते हैं, फाउंडर्स के ट्रैक रिकॉर्ड कैसे, ये सब समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो चलिए इस कंपनी के फाउंडर के बारे में थोड़ा समझते हैं, फिर इस कंपनी के डिटेल के बारे में हम जानेंगे। तो ये जो कंपनी है ज़ेलमॉक, इसके फाउंडर है संदीपन चट्टोपाध्याय जी। इनका अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे, एजुकेशनल बैकग्राउंड देखेंगे, इनके लिंक्डइन का प्रोफाइल है ये, तो यहां पे देखेंगे तो इन्होंने अपना स्कूलिंग 1983 टू 1991 में किया हुआ है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इन्होंने बैचलर इन स्टैट्स किया हुआ है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता से। के बाद अगर आप देखेंगे तो इन्होंने IIM कलकत्ता से अपना MBA किया हुआ है सिस्टम्स एंड ऑपरेशंस में। हालांकि ये एजुकेशन आपको इंडिया में बहुत लोगों में मिल जाएंगे, तो इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी काफी अच्छा है, टॉप नॉच है, पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे एजुकेशन बैकग्राउंड आपको बहुत लोगों को मिलेंगे। इनका थोड़ा करियर बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे तो इन्होंने करियर अपनी शुरुआत की थी मैनेजर इंटरेक्टिव मीडिया के साथ में। उसके बाद अगर आप देखेंगे टाटा इंटरेक्टिव सिस्टम के लिए भी काम कर चुके हैं, जिसमें टाटा की वेबसाइट बनाई थी इन्होंने इनिशियल ईयर्स में। उसके बाद ये ओनर रहे थे ईडॉट सॉल्यूशन के, जो अगर आप जानते होंगे तो लिंक्ड है मनी कंट्रोल से। तो मनी कंट्रोल आज वेबसाइट जो रिलायंस कंट्रोल करती थी एक टाइम पे इनकी कंपनी हुआ करती थी। इसके बाद ये CTO रह चुके हैं जस्ट डायल के। आप जानते हैं जस्ट डायल का वीडियो हमने बनाया है और जस्ट डायल भी काफी अच्छा कर रहा है शेयर। ये उस कंपनी के CTO रह चुके थे 7 सालों तक, और उन 7 सालों में जस्ट डायल ने काफी अमेजिंग ग्रोथ किया था, जो कि हम ऑलरेडी देख पा रहे हैं। तो इनके अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो ऑलरेडी ये प्रूवन है, इन्होंने अपने करियर में काफी कुछ अच्छे काम किए हुए हैं ऑलरेडी। इसके बाद अगर आप देखेंगे जस्ट डायल छोड़ने के बाद इन्होंने कुछ कंपनीज को फाउंड की है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और जो कंपनी आज हम एनालिसिस कर रहे हैं उसका नाम है ज़ेलमॉक। पर इनके अलावा जो भी अगर आपको दिख रहे हैं वूपली, मिहब, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बताएंगे और देखेंगे कि कैसे ये ज़ेलमॉक से सब कुछ लिंक्ड है। तो यहां अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो जो फाउंडर है उनके बैकग्राउंड देखेंगे तो बैकग्राउंड काफी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने काफी अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वेबसाइट और मनी कंट्रोल आज काफी यूजफुल है, जो कि बहुत पहले से बनाया हुआ है इन्होंने। तो यहां पे देखेंगे तो ये काफी अर्ली स्टेज में कंपनीज में इनका अगर आप देखेंगे प्रेजेंस दिखेगा आपको, और बाद में जब बड़ी हो जाती है कंपनी तो उनका प्रेजेंस आपको इतना देखने नहीं मिलता। जस्ट डायल में भी इनिशियल ईयर्स में ये रहे थे। तो ये आपको ध्यान रखने की बहुत जरूरत है कि इनका जो फोकस रहता है वो शुरुआती दौर होती है जो कंपनी की, वहां पे होता है, और वो आगे कैसे अब कर रहे हैं उसको परस्यू, उसके बारे में भी मैं आपको आगे वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो ये हो गया दोस्तों इनके बारे में। अब चलिए देखते हैं ये कंपनी क्या करती है और ये कंपनी के स्टैंडर्ड्स कैसे इन्होंने काफी हाई रखे हुए हैं। तो ये जो कंपनी है 2015 में संदीपन जी ने बनाया था, और ये देखेंगे ये कंपनी जो है प्रोफेशनल और टेक्निकल कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और इनका फोकस होता है कि प्रोडक्ट बनाए, और उनका मेन फोकस होता है डेटा साइंस और एनालिटिक्स की तरफ। इसमें देखेंगे जो सेगमेंट है ये कवर करते हैं ई कॉमर्स, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, रिक्रूटमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सब सेगमेंट को ये कवर करते हैं। पर इनका जो मेन फोकस रहता है वो हील है, जो कि हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, लाइवलीहुड, ये 4 थीम को ये टारगेट करना चाहते हैं। इनकी फिलोसॉफी सिंपल है कि ये जो 4 थीम है इनमें अगर देखेंगे तो GDP रिप्रेजेंटेशन तो जरूर इनका डिसेंट है, पर इनमें टेक्नोलॉजी का इतना डिसरप्शन हुआ नहीं है, और ये GDP के बहुत अच्छे कंट्रीब्यूटर है, और यहाँ पे टेक्नोलॉजी काफी हेल्प कर सकती है। और ऐसे में भी ये डेवलपिंग नेशन में ज्यादा फोकस करते हैं, जैसे कि इंडिया के लिए सॉल्यूशन ये बना रहे हैं, वो सिमिलर सॉल्यूशन वो साउथ एशिया, अफ्रीका जैसे नेशन में यूज करना चाहते हैं, जहां पे अगर आप देखेंगे पॉपुलेशन सिमिलर है, जहां पे इश्यूज सिमिलर है, अपॉर्चुनिटीज सिमिलर है, वहां ये यूज करना चाहते हैं। अगर आप इनका कोर समझने की कोशिश करेंगे तो ये कंपनी का मेन फोकस है कि जो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज है, AI ML हो गया, वहां पे NLP वगैरह जो भी है वो सब यूज करके ये कोर प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, और ये काम करना चाहते हैं
हैं गवर्नमेंट के साथ, बिजनेसेस के साथ, बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ, छोटे स्टार्टअप्स के साथ, और उन सबको हेल्प करना चाहते हैं उनके जो टेक्नोलॉजी नीड्स है उसमें। और इसमें ये थोड़ा अलग क्या करते हैं कि जब ये स्टार्टअप के साथ काम करते हैं तो ये वहां पे इक्विटी लेके टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं और ये खुद को उनका को फाउंडर कहते हैं। ये अगर कोई स्टार्टअप आइडिया है किसी के पास तो पूरी टेक्नोलॉजी आप समझ लीजिए आपके CTO बन जाएंगे, ये कंपनी के टेक्नोलॉजी पूरा ये हैंडल करेंगे, और उसके लिए या तो वो फी चार्ज कर सकते हैं और या मोस्टली ये इक्विटी मॉडल में जाते हैं जिसमें ये स्किन इन द गेम बोलते हैं दोस्तों इसे, जिसमें वो इक्विटी ले लेते हैं जिससे इनका भी मोटिवेशन हाई रहे और कल को कंपनी काफी अच्छा करती है तो दोनों को फायदा होगा, और स्टार्टअप अगर फेल होती है तो उसे भी बहुत ज्यादा लॉस नहीं होगा क्योंकि उन्होंने उनको इन्हें पैसे नहीं देने हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्किन इन द गेम अर्ली स्टेज में घुस जाते हैं तो कम पैसे और या मोस्टली टेक्नोलॉजी की वजह से इन्हें अच्छा खासा स्टेक मिल जाता है, और कंपनी कल को काफी अच्छा करती है तो इससे इन्हें भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। और इनका यही कोर फोकस है दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो ये नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स ये अपने स्टार्टअप्स को हेल्प करते हैं, टेक्नोलॉजी में हेल्प करते हैं, कोर मॉड्यूल्स भी यूज करते हैं वो सारा, और उसके बदले में इक्विटी लेते हैं ताकि कल को वो इक्विटी से इन्हें भी फायदा हो। बेसिकली ये अगर आप देख पा रहे हैं तो ये वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, और इनके एम्प्लॉयज भी अगर आप देखेंगे दोस्तों कि उनकी सैलरीज इतनी हाई नहीं है और एक जो मुझे कंसर्न लगा था, पर यहाँ ये इक्विटी देते हैं और ये चाहते हैं कि एम्प्लॉयज भी इसमें पार्टनर बने, वो भी ओनर की तरह कंपनी में काम करे और वो भी वेल्थ क्रिएट करे। तो पहले एक बार देख लीजिए थोड़ा सा ओवरव्यू इनकी टीम का, तो अभी इनके पास देखेंगे तो कंपनी काफी छोटी है दोस्तों, 106 टीम मेंबर है और 41 क्लाइंट्स है, 4 सिटी में अगर आप देखेंगे बड़े सिटीज में इनके ऑपरेशन है, मुंबई, हैदराबाद, गुड़गांव और कोलकाता में, सॉरी नॉट हैदराबाद, बैंगलोर, हैदराबाद में भी ये अपना ऑपरेशन ओपन करना चाह रहे थे बट लॉकडाउन की वजह से वहां पे इंपैक्ट देखने मिला है। थोड़ी जर्नी अगर आप देखेंगे दोस्तों, जैसा मैंने बताया 2015 में ये कंपनी फॉर्म हुई थी, 2017 में ये जॉइंट वेंचर किया था इन्होंने फोर्टिगो के साथ, फोर्टिगो क्या करती है इसके बारे में आपको आगे भी बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। 2018 में इन्होंने कंपनी को पब्लिक लिमिटेड का कन्वर्ट किया और जिसका नाम हो गया ज़ेलप्रॉन्ग डिजाइन एंड टेक लिमिटेड, प्राइवेट हट गया। 2019 में ये कंपनी लिस्टेड हुई दोस्तों, और 2020 में आप अगर इसका रिटर्न देखेंगे तो आप बहुत खुश हो जाएंगे और आप सोचेंगे आपने इस स्टॉक को ऑलरेडी क्यों नहीं बाय किया था। और 2020 में इस कंपनी ने दोस्तों अपना जो एम्बिशन था कि हम प्रॉफिटेबल बन जाएंगे, क्योंकि जब ये लिस्ट हुए थे तो ये प्रॉफिटेबल नहीं थे, बन के दिखाया है, वो भी हम आगे देखेंगे। और अगर यहाँ पे अगर आप टीम की बात करेंगे, जो 70 मेंबर्स हैं वो 106 में से वो कोर टेक्नोलॉजी के मेंबर्स हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे तो UI वेब डेवलप के 28 28 इंजीनियर्स है, डीप टेक्नोलॉजी AI ML वगैरह के 21, मोबाइल के 21, और ये सेम टीम काम करती है कोर मॉड्यूल्स पे, ये स्टार्टअप्स को भी हेल्प करते हैं, सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं ऑटोमेशन वगैरह जैसे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 7 क्वालिटी की टीम है, एनालिटिक्स की 8, डिजाइन की 6, प्रोडक्ट की 8 और HR एडमिन फाइनेंस की देखेंगे तो 7। तो यहां देखेंगे मोस्टली मेजॉरिटी जो मेंबर्स है वो इंजीनियर्स है, मेजॉरिटी फोकस टेक्नोलॉजी है, प्योर टेक्नोलॉजी कंपनी है। चलिए आगे देखते हैं इनके प्रोडक्ट अभी तक इन्होंने क्या क्या बनाया है। तो इन्होंने अपना सबसे पहला प्रोडक्ट बनाया है DocX। DocX बेसिकली एक इंटेलिजेंट डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है दोस्तों, जो कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन यूज करके कोई भी डॉक्यूमेंट रीड कर सकता है, उसे मशीन रीडेबल फॉर्मेट में बना सकता है, और उसके बाद उसमें ये NLP यूज करके बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एनालिटिक्स कर सकते हैं, बहुत सारे कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं, इस पे रूल बेस्ड एनालिसिस भी ये कर सकते हैं। अब ये DocX का जो ये मेन कोर प्लेटफॉर्म है, इसको यूज करके इन्होंने इंटेलिजेंट डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है। अब इनका मेन फोकस क्या होता है दोस्तों कि ये फ्यूचर जनरेशन टेक्नोलॉजी NLP यूज करना चाह रहे हैं। अब NLP से इन्होंने ये DocX प्लेटफॉर्म बनाया। अब ये किसी अपने कोई भी क्लाइंट, कोई स्टार्टअप होता है या कोई कंपनी होती है जो इनसे सर्विसेज डिमांड करती है, तो वहां ये कोशिश करते हैं कि ये अपना प्रोडक्ट यूज कर सके। अभी इन प्रोडक्ट्स का फुल पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं हुआ है, आगे हमें देखना पड़ेगा कि ये यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है, हालांकि कंपनी ने बहुत ज्यादा डिटेल दिए नहीं है कौन डायरेक्ट कस्टमर इसे यूज कर रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे दोस्तों, इनके पास है ERP सिस्टम। जैसा कि आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज Salesforce जैसे ERP सिस्टम्स यूज करती हैं, उससे उन्हें देखने मिलता है कि उनका सेल्स कैसा हो रहा है, रीजन वाइज ब्रेकअप वगैरह सारा डिटेल देखने मिलता है। इससे उनको कैश फ्लो वगैरह भी देखने मिलता है, टीम की क्या क्या इन्वेंट्री मैनेजमेंट वगैरह बहुत सब कुछ देखने मिलता है, तो बड़ी कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सेम चीज छोटी कंपनीज जैसे कि रेस्टोरेंट है, उन्हें ये सॉल्यूशन दे रहे हैं जिनके मल्टी चेन्स है, ताकि वो ये सिस्टम यूज कर सके, ज्यादा इफिशियंट बन सके। इफिशियंसी आप जानते हैं जैसे ERP से इंप्रूव होती है, तो ये ERP एक बेसिकली ये सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं और इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो मोस्टली ऑटोमेशन में ये हेल्प कर रहे हैं रेस्टोरेंट्स को। अभी छोटे छोटे प्लेयर्स को इनका मेन एम है कि हेल्प करना, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर को आप ऑलरेडी जानते हैं, बड़ी कंपनीज टारगेट कर रही हैं। तो ये हो गए इनके दोस्तों दो प्रोडक्ट। इसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट्स जो ये बना रहे हैं कोर प्रोडक्ट, ये सब दोस्तों कोर प्रोडक्ट है जिसके डायरेक्ट क्लाइंट नहीं भी हो सकते हैं, जो कि ये दूसरी सर्विसेज ऑफर करेंगे वहां ये अपने कोर प्रोडक्ट यूज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो FAQs जो कि फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन होता है, उसको चैटबॉट में कन्वर्ट करने का एक कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। ये सब दोस्तों बनाना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सारी कंपनीज बहुत सारी चीजें बना के रखती है और उनका फिर डायरेक्ट यूजेज नहीं आता, या फिर वो किसी स्पेसिफिक कस्टमर
कस्टमर को देती है। इनका गोल थोड़ा अलग है, ये कोर फीचर्स बना के रेडी रखना चाह रहे हैं और वही सारे कोर फीचर वो लेवरेज करना चाहते हैं जब भी किसी क्लाइंट के लिए कोई सॉल्यूशन बनाते हैं। और यही इनका मेन फोकस है कि एक सेम टीम सेम चीजें एक ही बार बनाए और एक बार बार रिपीटेटिव वर्क ना हो वहां पे, और वो सेम कोर प्लेटफॉर्म जो फीचर्स है वो रीयूज किया जाए। इसके अलावा कॉन्वर्सेशनल कॉमर्स, जैसा कि आप जानते हैं चैटबॉट जो कि यूजर क्वेरीज हैंडल कर सके और बिजनेस को ग्रोथ दे सके। सेंसिटिव कंटेंट डिटेक्शन, बेसिकली वो पूरा OCR का जो आपने मॉडल देखा था डॉक्यूमेंट रीड करने के बाद, दे शुड बी एबल टू फिगर आउट कि इसमें सेंसिटिव कंटेंट क्या है और उसे हाइड कैसे किया जाए ताकि डेटा ब्रीच ना हो। इंटेलिजेंट डायलॉग ट्री, इस पे भी काम कर रहे हैं जिसमें ये कैंडिडेट से बेसिकली चैटबॉट हायरिंग इनिशिएट करेगा, उसके प्रोफाइल स्कैन करेगा और फिर देखेगा कि क्या ये आपके पोटेंशियल हायर हो सकते हैं या नहीं। ईमेल एनालिटिक्स टूल जो बेसिकली आपके ईमेल रीड करके बता सकता है कि आपके प्रेफरेंसेस क्या है। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स ये बनाते रहते हैं, ये इनका कोर प्लेटफॉर्म फीचर्स होते हैं जो कि ये बाद में कोशिश करते हैं कि लेवरेज करें दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए या सर्विसेज के लिए या फिर स्टार्टअप्स को भी ये सेल करें। तो ये बेसिकली अगर आप देखेंगे टेक्नोलॉजी पे इनका बहुत ज्यादा फोकस है। तो ये तो हो गया दोस्तों प्रोडक्ट्स पर। इसके लिए मैं आपको ये कंपनी खरीदना है ऐसा नहीं बोल रहा है, कंपनी क्यों खरीदनी है दोस्तों वो बात करने के लिए चलिए आगे देखते हैं इनके स्टार्टअप्स कौन से हैं। तो जैसा दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये स्टार्टअप्स में अर्ली स्टेज में एंटर करते हैं अगर उन्हें आइडिया पसंद आता है, और उनका आइडिया का मेन फोकस होना चाहिए हेल्थ एजुकेशन एग्रीकल्चर एंड लाइवलीहुड। और वहां पे क्या कोशिश करते हैं कि ये देखे आइडिया कैसा है और उसके बाद पार्टनरशिप करते हैं और ये कोफाउंडर बन जाते हैं उस कंपनी के और उन्हें पूरी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। इनका एंगेजमेंट मॉडल अलग अलग हो सकता है जिसमें ये पूरी टेक्नोलॉजी टीम हैंडल दे सकते हैं अपनी और उसके लिए फी चार्ज कर सकते हैं, इक्विटी ले सकते हैं, वो मॉडल अलग अलग होता है पर बेसिक फिलोसॉफी सेम है। दे वांट इक्विटी मोस्टली और स्टार्टअप्स को इनिशियल स्टेज में हेल्प करना चाहते हैं ताकि बाद में वो इंडिया को सर्व कर सके, ग्लोबली सर्व कर सके और वेल्थ क्रिएशन हो सके सभी के लिए। आप भी इन्वेस्ट करेंगे इस कंपनी में तो वो आपके लिए भी होगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए ये तो ये एक कंपनी अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो प्रॉक्सी हो गई इन्वेस्टमेंट के लिए स्टार्टअप में, ऐसा एक तरीके से आप सोच सकते हैं, पर यहाँ आपका रिस्क कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पे एक ऑलरेडी प्रूवन पर्सन है जो कि उस कंपनी को हेल्प कर रहे हैं, इनकी टीम स्ट्रांग है, टेक्नोलॉजी स्ट्रांग है और ये पहले रिव्यू करते हैं कि क्या ये आइडिया सचमुच सही है कि नहीं, क्या ये फाउंडर का जो डायरेक्शन है वो इनके डायरेक्शन से अलाइंड है या नहीं। और इसके अलावा फिर देखेंगे दोस्तों कि ये टेक्नोलॉजी भी पूरी हैंडल कर रहे हैं, थोड़ी फंडिंग की भी हेल्प करते हैं और इनकी वजह से आज इनका नाम काफी पॉपुलर है तो कंपनीज को इनके स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलना भी आसान हो जाता है इनके बैकअप के बाद। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो रिस्क है फेलियर का वो मिनिमाइज हो रहा है। और अगर इस कंपनी के अगर आप दोस्तों देखें अगर 10 में से 3 स्टार्टअप भी सक्सेसफुल होते हैं तो आप जानते हैं कितना हाई पोटेंशियल होता है रेवेन्यू का। तो चलिए अब ये स्टार्टअप्स देखते हैं और इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं क्या सच में ये इसमें से कोई ऐसे स्टार्टअप है जिनका पोटेंशियल बहुत हाई है जो कि बिलियन डॉलर कंपनीज बन सकती है अगले 5 से 10 सालों में। चलिए वो इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं। तो जो जैसा कि आप जानते हैं इनकी इनिशियल कंपनी जिसमें इन्होंने पार्टनरशिप ज्वाइंट वेंचर किया था फोर्टिगो है। फोर्टिगो क्या कर रही है? फोर्टिगो बेसिकली जैसा आपके लिए उबर है वैसे ट्रांसपोर्ट, गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रक वगैरह यूज होते हैं तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म है जो कि एंड टू एंड पूरा गुड ट्रांसपोर्ट का लाइफ साइकिल मैनेज करने की कोशिश कर रही है जिसमें आप कोड दे सकते हैं और जो भी रजिस्टर्ड ट्रक ओनर्स है ट्रक ड्राइवर्स है वो उस कोड पे रिप्लाई कर सकते हैं और ये पूरा एंड टू एंड मैनेजमेंट जो ट्रांसपोर्ट है वो हो सकता है। दोस्तों इसका मैंने ऐप देखा, उसकी रेटिंग बहुत अच्छी नहीं है, ऐप में बहुत ज्यादा फीचर्स वगैरह भी अभी नहीं है पर ये काफी अच्छा कर रही है, धीरे धीरे क्लाइंट्स से ऑनबोर्ड कर रहे हैं। और अगर आप देखेंगे इसके वैल्यूएशन दोस्तों आगे इस बात करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके बाद उस पर हम आएंगे। तो फोर्टिगो का आइडिया ये है दोस्तों और ये काफी अच्छा कर रही है अभी के लिए कंपनी के इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। मीहब अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये वॉइस टेक्नोलॉजी डोमेन में है, AI बेस्ड जो कि है आपका पर्सनल असिस्टेंट जैसा होता है, पर इसमें खासियत यह है दोस्तों कि ये 4 इंडियन लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है और इसकी कोशिश है कि आगे सारे लैंग्वेजेस सपोर्ट करे और रीजनल लैंग्वेजेस सपोर्ट करे। ये ऑफलाइन भी चलता है, SMS बेस्ड असिस्टेंट भी देता है। अगर इसका यूजेस देखेंगे दोस्तों तो आज के टाइम पे टाटा इसे यूज कर रहा है, टाटा मोटर्स इसे यूज कर रहा है, दूसरी भी कंपनीज प्रोसेस में है जिन्हें ये पसंद आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे मीहब काफी ज्यादा पोटेंशियल लग रहा है मुझे मीहब में, रीजनल लैंग्वेज में अगर सपोर्ट आता है सारे अगर आपके कंपनीज जो है टू व्हीलर कंपनीज या फोर व्हीलर कंपनीज या दूसरी कंपनीज जो भी असिस्टेंट चैट असिस्टेंट मीहब का यूज करने लगेंगे तो पोटेंशियल बहुत हाई है। और टाटा ऑलरेडी यूज कर रहा है तो आप दोस्तों समझ जाइए कि इसमें पोटेंशियल काफी हाई है। मीहब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा है दोस्तों, इनके पोर्टफोलियो जो कि स्टार्टअप्स है उसमें मीहब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा है मुझे। स्नैप हंट देखेंगे आप देखेंगे बेसिकली टैलेंट एक्विजिशन प्लेटफॉर्म है जो कि मोस्टली साउथ ईस्ट एशियन टैलेंट मार्केट पे फोकस कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये हायरिंग के लिए हेल्प कर रहे हैं स्नैप हंट के थ्रू और इनका एक प्रोप्राइटरी एल्गोरिथम है जो यूज कर रहे हैं। वूबली अगेन इंटरेस्टिंग है दोस्तों, वूबली क्या है? नेटवर्किंग फॉर अ रीजन। ये बेसिकली फ्लिपकार्ट अमेजोन जैसी वेबसाइट ही है बट इसमें डिफरेंस ये है कि आप अपने प्रेफरेंसेस देते हैं पहले साइनअप के टाइम के कि आप बेसिकली क्या करना पसंद करते हैं, उसके हिसाब से ये इन्फ्लुएंसर बेस्ड पे आपको प्रोडक्ट दिखाते हैं जो एडवर्टीजमेंट इन्फ्लुएंसर कर रहा है और फिर वो आप वो प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सोशल नेटवर्किंग की तरह आपको बाय करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे
इनका थोड़ा जो बाय का तरीका है वो अलग है, डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट नहीं सेल किए जा रहे हैं, प्रोडक्ट आपको कोई इन्फ्लुएंसर उसे यूज करके दिखा रहा है और आप फिर उसे बाय कर रहे हैं, तो थोड़ा सोशल नेटवर्किंग भी का भी फैक्टर आ जा रहा है यहाँ पे एक शॉपिंग में आपके। तो वुबली का ये आइडिया है थोड़ा अलग है, यूनिक है, इसमें भी काफी अच्छा पोटेंशियल लग रहा है मुझे, पर मुझे नहीं लगता है दोस्तों कि ये कंपनी बिना फंडिंग के ज्यादा दिन चल पाएगी, क्योंकि इसका मार्केट बहुत बड़ा होता है और इनमें ग्रोथ भी अच्छी है, तो इन्हें बहुत तेजी से फंडिंग उठानी पड़ेगी और देखते हैं आगे कंपनी का क्या स्टैंड होता है, क्या ये अपने स्टेक इसमें रखते हैं या एग्जिट कर जाते हैं, पर इसमें भी काफी हाई पोटेंशियल है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों पेंसिल, जो कि क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये चाहते हैं कि जो भी राइटर्स है, नए राइटर्स है, उनकी जो जर्नी हो वो आसान हो, वो अपने स्क्रिप्ट एक वेबसाइट पे अपलोड कर सके और उसके बाद उसको एडिटिंग किया जा सके, उसके स्क्रिप्ट मॉडिफाई किया जा सके और उसके बाद जो पब्लिशिंग है किंडल जैसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पब्लिशिंग ऑटोमेट हो सके, और अगर उसे चाहिए तो वो फिजिकल प्रिंटिंग के लिए ऑर्डर भी वो प्लेटफॉर्म से दे सके। तो बेसिकली एक जो जर्नी होती है बुक राइटर की वो आसान करना चाहते हैं, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, तो इसमें भी काफी अच्छा पोटेंशियल हो सकता है दोस्तों। नैक अगर देखेंगे दोस्तों क्या है, तो ये इसके तहत स्मॉल एंड मीडियम स्केल बिजनेसेस को एम्पावर करना चाहते हैं, उनको एक ऐप देना चाहते हैं जिसके तहत वो सारा सेल्स वगैरह सब कुछ अपना ट्रैक कर सके, पेमेंट वगैरह ट्रैक कर सके। तो यहाँ पे अगेन देखिए स्मॉल एंड मीडियम स्केल बिजनेसेस के लिए एक प्लेटफॉर्म ये बना रहे हैं। किड स्टॉप प्रेस दोस्तों ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, हालांकि नैक जैसे हम जानते हैं, इंडिया मार्ट जैसे बहुत सारी कंपनीज ये सिमिलर चीजें कर रही है, किड स्टॉप प्रेस मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी दोस्तों। ये इसलिए क्योंकि इंडिया में पेरेंटिंग पे इतना ध्यान पहले की जनरेशन देती नहीं थी, नई जनरेशन काफी ध्यान दे रही है, पर वो ये जनरेशन को इन्फॉर्मेशन कैसे मिले, क्या सही है, क्या डिसीजन लेने चाहिए, वो कैसे करे, वो सबके लिए इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया जहां पे थ्रू कंटेंट दे कैन मेक इन्फॉर्म डिसीजन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, ये गेम चेंजर लग रहा है मुझे दोस्तों, कि जहां पे आपको पेरेंटिंग के लिए हेल्प मिलेगा, आपको आप प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे बाय ऑब्वियसली कर सकते हैं, पर आपको बहुत सारे कंटेंट से हेल्प मिलेगी और आपकी पेरेंटिंग जो है अपब्रिंगिंग है वो बेटर हो सकती है। वेस्टर्न कंट्रीज में इसका बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, इंडिया में भी ये प्लेटफॉर्म ला रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों स्टार इन मी, स्टार इन मी एक नेटवर्किंग वेबसाइट है वुमेन के लिए, जो कि अपने करियर में एडवांस करने के लिए नेटवर्क कर सकती है, नेटवर्किंग विद रीजन, बेसिकली दे कैन सीक मेंटरशिप और वो मेंटरशिप ले सकती है, अपने करियर में एडवांस कर सकती है। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, तो वुमेन को प्रमोट करने के लिए, वुमेन को और आगे आने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे लोग वुमेन विल ट्राई टू हेल्प वुमेन, नेटवर्किंग मिलेगी। और आप जैसा जानते हैं दोस्तों कि एक कॉर्पोरेट करियर में नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिसके तहत आप बहुत मेंटरिंग लेते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं, और नेटवर्किंग से आपकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ओपन अप होती है। तो ये इसका फोकस है स्टार इन मी का, यहाँ पे भी ये टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं मैच मेकिंग के लिए, जिसके तहत वो आपके लिए सही मेंटर ढूंढ पाए जो आपको करियर में एडवांस करने के लिए हेल्प कर सके। ये वुमेन के लिए प्लेटफॉर्म है दोस्तों नेटवर्क। आगे देखते हैं दोस्तों slate.ac, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, अगेन ये SME स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस को हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। बेसिकली ये सारा डेटा आपका देखेंगे, कैश फ्लो वगैरह सब कुछ, और उसके बेसिस पे आपको एक एनालिसिस प्रेजेंट करेंगे, एक्शनेबल बेसिकली आइटम्स देंगे, जिसके तहत आप अपने कैश फ्लो इंप्रूव कर सकते हैं, आप इफिशियंसी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे बेसिकली ये एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म होगा जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस यूज कर सकते हैं और इफिशियंट बनने के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों बोल्ट, जो कि फिटनेस प्लेटफॉर्म है, जो जिसका मेन फोकस है कि लोगों के बैलेंस, स्ट्रेंथ और मोबिलिटी इंप्रूव किया जा सके, और वो आपका डेटा जैसे जैसे लेंगे आपको, आपका बिहेवियर एनालाइज करेंगे और वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है या आपको कैसे इन प्रॉब्लम को टैकल करना है। तो यहाँ पे देखिए फिटनेस पे फोकस, ये सब दोस्तों वैसे बहुत अर्ली स्टेज है, तो बहुत ज्यादा अभी पोटेंशियल क्या है इसका हमें देखने नहीं मिला है। हम इस कंपनी को ट्रैक करते रहेंगे तो हमें आगे समझ में आएगा कि इन कंपनीज के साथ क्या हो रहा है, क्या ये बंद हो जा रही है, क्योंकि ये बहुत अर्ली स्टेज है तो बहुत हाई चांसेस है ये आगे नहीं चले। और ये भी हो सकता है कि कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, अच्छी फंडिंग मिली है और बहुत तेजी से ग्रोथ भी आ रहा है, तो इसे ट्रैक करते रहना पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट है ट्रायड सिस्टम, दोस्तों ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है या फिर आप देखते हैं इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर होता है, उसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड प्रोसेसेस होती हैं, बहुत लंबा प्रोसेस चलता है, ये इसे ऑटोमेट करना चाहते हैं, रूल बेस्ड मैनेजमेंट करना चाहते हैं, और जिसपे ट्रस्ट एस्टैब्लिश हो सके, जिसका वेरिफिकेशन ऑटोमेटेड तरीके से हो सके। यहाँ पे ये ब्लॉकचेन यूज करके ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं, बेसिकली ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों, और ये ब्लॉकचेन ही है जो शायद इसे सॉल्व कर सके, जिसके तहत एक डॉक्यूमेंट लेजर क्रिएट किया जा सके और वो सारे रूल जो रूल है एग्जिस्टिंग रूल उस पे अप्लाई किया जा सके ऑटोमेटेड तरीके से, ताकि मैनुअल वेरिफिकेशन की जरूरत ना पड़े। और अगर ये मैनुअल सारा ऑटोमेट हो जाता है दोस्तों, तो जो ट्रेड का टाइम है सेटलमेंट का पूरा, वो बहुत
तेजी से घट सकता है। तो यहाँ पे इनका फोकस है, ये मोस्टली B2B होगा। नेक्स्ट है दोस्तों टैक्सीटॉप। इनका पर्पस सिंपल है, जब एडवर्टीजमेंट करते हैं आप रोड्स पे तो लोग जनरली बैनर्स वगैरह नहीं देखते हैं, वो जनरली अपने कार या बसेस का इंतजार कर रहे होते हैं, तो वो उबर वगैरह देखते रहते रोड, तो उनकी ध्यान कार पे होती है। तो इनका फोकस यही है कि क्यों ना हम टैक्सी के टॉप पे जो स्पेस है वो वैसे भी यूजलेस है, वहां पे एडवर्टीजमेंट करें, क्योंकि लोग उबर वगैरह अपना देख रहे हैं तो वो एडवर्टीजमेंट देखेंगे, वहां पे उनकी नजर पड़ेगी। और ये चाहते हैं कि ये डिजिटल हो, ताकि हर एरिया में जब जब भी जो एडवर्टीजमेंट कर रहा है वो डिसाइड कर सके कि मुझे इससे ये एरिया में ही अपना एडवर्टीजमेंट करना है, बाकी एरिया में एडवर्टीजमेंट नहीं करना है। तो यहाँ देखेंगे आप टैक्सीज यूज करना चाह रहे हैं, ये उबर के साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं और एडवर्टीजमेंट करना चाह रहे हैं उसके ऊपर, और इसके लिए ये उबर को रीच आउट भी कर चुके हैं और इनका डिजिटल एडवर्टीजमेंट का प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं और सारे उबर के ऊपर ये एडवर्टीजमेंट करना चाह रहे हैं। एडवर्टीजमेंट बेसिकली सॉल्यूशन है इनका, जो कि इंटरेस्टिंग लगा दोस्तों मुझे। आगे कैसे इवॉल्व होता है इसे ट्रैक करते रहेंगे हम, तो हमें पता चल। नेक्स्ट क्या है दोस्तों कि एजुकेशन सेक्टर में इन्होंने अभी तक कुछ किया नहीं था। एजुकेशन सेक्टर में आप ये क्या कर रहे हैं, एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का प्लेटफॉर्म बना रहे हैं लीडिंग स्कूल ऑपरेटर के लिए, जिसके 40 ब्रांचेस है इंडिया में। और वहां पे ये क्या कोशिश ये नहीं है कि दोस्तों एक प्लेटफॉर्म बना दिया जूम जैसा, जो कि बस ऑनलाइन टीचिंग में हेल्प करे, नहीं, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को सॉल्व करना चाह रहे हैं। ये जो सारा प्रोसेस है टीचर का और स्टूडेंट इंटरेक्शन का, क्लासरूम में भी उन्हें ऑडियो विजुअल की जरूरत हो सकती है, तो वो सारा पूरा प्रोसेस बनाना चाह रहे हैं, ऑटोमेशन लाना चाह रहे हैं, असेसमेंट से लेके पढ़ाने से लेके सब कुछ सॉल्व करना चाह रहे हैं। और ये पूरा जो प्रोसेस है ये कोलैबोरेटिव और फन बनाना चाह रहे हैं टीचर के लिए और स्टूडेंट के लिए भी, तो ये प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे हैं दोस्तों। हालांकि कोविड से इसकी डिमांड जरूर बहुत तेजी से बढ़ रही है, पर ये प्लेटफॉर्म अगर ये दोस्तों एक स्कूल के लिए बना रहे हैं तो ये प्लेटफॉर्म ये बाद में दूसरे स्कूल्स को भी सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एजुकेशन सेक्टर में एक टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है एजुकेशन के लिए, जो कि आगे भी काम आना चाहिए। ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट दोस्तों, हमें ट्रैक करना पड़ेगा अगेन कि ये कैसे इवॉल्व हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों बहुत हाई पोटेंशियल आइडियाज पे काम हो रहा है, जो कि आगे बहुत तेजी से बढ़ सकता है। चलिए अब इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं। फाइनेंशियल का परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे, मार्च 2017 से 2020 तक का डेटा है हमारे पास। इनका रेवेन्यू 1.88 करोड़ से 8 करोड़, ऑलमोस्ट 2 करोड़ से अगर आप देखेंगे 8 करोड़ तक पहुंचा है। 4 साल में 4 गुना रेवेन्यू बढ़ा है, बहुत बेहतरीन ग्रोथ है दोस्तों। पर अगर आप देखेंगे कंपनी अभी तक लॉस मेकिंग रही है, जो कि इनका टारगेट था कि ये जल्दी ही प्रॉफिटेबल होंगे। अब ये प्रॉफिटेबल हो गए या नहीं आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे, Q4 FY20 लास्ट ईयर से ही ये प्रॉफिटेबल हो गए हैं। ये साल इनका पूरा प्रॉफिटेबल रहा है। ये साल अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्सिमेट इनका जो रेवेन्यू होना चाहिए वो 13-14 करोड़ और प्रॉफिटेबल हो गई कंपनी। तो अगर आप देखेंगे इस कंपनी के साल भर की रेवेन्यू 13-14 करोड़ है, कंपनी वैसे होनी तो बहुत छोटी चाहिए, पर अगर आप इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 400 करोड़ है। तो एक आईटी कंपनी 13 करोड़ की, वो 400 करोड़ में क्यों ट्रेड हो रही है, ये नंबर से आप गेस नहीं कर सकते दोस्तों। तो इसको सही तरीके से समझने के लिए हमें इनके स्टार्टअप्स जो है उसके वैल्यूएशन क्या है वो समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। स्टार्टअप हमने देख लिया उनको करती क्या, उनके पोटेंशियल क्या है, उनका इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन देखिए दोस्तों। फोर्टिगो जिसमें बहुत जल्दी घुसे थे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 11,000 का ऑलमोस्ट का इन्वेस्टमेंट इनका, अगर आप देखेंगे 21 करोड़ बन गया है दोस्तों। यहाँ अगर आप रिटर्न देखिए कितना ज्यादा रिटर्न है, 11,000 का रिटर्न अगर आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट 21 करोड़, जो कि ये फेयर वैल्यू है December 31, और अभी हम बात कर रहे हैं जब अप्रैल की, तो नया डेटा आने के बाद ये और अपडेट हो सकता है और बढ़ा हुआ दिख सकता है। यहाँ अगर आप देखेंगे 11,000 की इन्वेस्टमेंट 21 करोड़ हो गई दोस्तों। ऐसे ही मीहब का भी अगर आप इन्वेस्टमेंट देखेंगे दोस्तों, तो 60 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी 11 करोड़ की तरफ हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ अगर आप देखेंगे स्टार्टअप्स में अर्ली एज में ये घुस गए, वैसे दोस्तों बस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से इसे जज करना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं और ये फाउंडर बन जाते हैं, तो बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें इस कंपनीज में जा रही है, बस पैसे ही नहीं जा रहे हैं। तो वहां पे आप रिटर्न देखिए बहुत हाई आ रहे हैं, और ऐसा नहीं है दोस्तों हर कंपनीज आगे ही बढ़ती, कुछ कुछ का रिटर्न अगर आप देखेंगे तो खत्म ही हो गया है, वो राइट ऑफ भी करना पड़ा है इन्हें। फिर भी अगर आप ओवरऑल देखेंगे दोस्तों, ये तो मैंने कुछ बताया, इसके अलावा वूबली भी देख लीजिए, अगर आप देखेंगे 5.72 लाख का देखेंगे दोस्तों, तो 3.87 करोड़ ऑलमोस्ट हो गया है उसका वैल्यूएशन। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो वैसे आप एक एक जा सकते हैं, मैं सारे इसमें नहीं जाऊंगा, ओवरऑल अगर आप देखेंगे दोस्तों 4.7 करोड़ का जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है उनका, आज के टाइम पे 44.33 करोड़ है। ये दिसंबर 31 का डेटा है दोस्तों, अगर इसको मार्च 31 से कंपेयर करेंगे तो 34 करोड़, तो काफी ग्रोथ देखने मिली है। और आप जानते हैं दोस्तों रिसेंट पास्ट में बहुत इंडियन कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट उठाया और वैल्यूएशन बहुत हाई मिले हैं, $1 billion वैल्यूएशन, तो ये डेटा और भी ज्यादा हमें बेटर देखने मिल सकता है अगले क्वार्टर्स में ये इन्वेस्टमेंट के। तो ये मेन रीजन है दोस्तों जिसकी वजह से हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। रिस्क बहुत हाई है जरूर दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, क्योंकि कंपनीज बहुत अर्ली स्टेज में बंद हो सकती है, पर रिवॉर्ड भी बहुत हाई है दोस्तों। चलिए अब वैल्यूएशन की बात करते हैं, हमने तो सारा पोटेंशियल वगैरह देख लिया। वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो ये कंपनी 300 पे ट्रेड हो रही है, और अगर आप दोस्तों इसके रिटर्न देखेंगे जब से लिस्टिंग हुई है, आप इसके रिटर्न देखिए, ये मार्च वगैरह में 50 रुपीज पे था और अभी 300 के आसपास चल रहा है, ऑलमोस्ट 6 गुना रिटर्न दिया है। तो यहाँ अगर
अगर आप देखेंगे दोस्तों, मार्केट कैप इस कंपनी का 412 करोड़ का है। जैसा हमने देखा, इस साल का रेवेन्यू 13-14 करोड़ का होना चाहिए और इनके जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 44 करोड़ के फेयर वैल्यू है। तो जो सारे स्टार्टअप है उनका कंबाइंड वैल्यूएशन जो ये होल्ड करते हैं 44 करोड़ और इनका रेवेन्यू 13 करोड़। तो कोई भी एंगल से अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इसका वैल्यूएशन काफी स्ट्रेस्ड है। पर क्या ये कंपनी ये वैल्यूएशन डिजर्व करती है? वी डोंट नो, क्योंकि ये अगर इनके आप स्टार्टअप्स देखेंगे उसे पोटेंशियल बहुत हाई और अगर वो कन्वर्ट होते हैं दोस्तों तो वो मुझे लग रहा है मीहब जैसी कंपनी कुछ सालों में 3-5 years में $1 billion कंपनी बन सकती है। तो आप उनका इन्वेस्टमेंट देखिए कितना हाई हो जाएगा, कितना हाई वैल्यू बढ़ जाएगा। आज 44 करोड़ दिख रहा है आपको, कल आपको 400 करोड़ बस उनका इन्वेस्टमेंट ही देखने मिल सकता है अगले 2-3 सालों में। तो इस कंपनी में दोस्तों मैं बस यही कहूंगा कि पोटेंशियल बहुत हाई है बट रिस्क जरूर हाई है, क्योंकि ये एक कंपनी को जो ओन कर रहे सीईओ संदीपन के नाम पे पूरी कंपनी में जो भी हो रहा है सब कुछ हो रहा है। तो ये आप बोल सकते हैं कि वन मैन आर्मी शो भी है इनिशियली। जब तक इनके पूरे इकोसिस्टम डेवलप नहीं हो जाते, जब तक ये रेवेन्यूज इनके जो बढ़ नहीं जाते, ये प्रोडक्ट से भी और सर्विसेज से भी एक स्टेबल इनकम नहीं आ जाती, तब तक अगर आप देखेंगे तो इसमें रिस्क बहुत हाई है दोस्तों, पर रिवॉर्ड भी बहुत हाई है और ये बहुत ज्यादा प्रीमियम कमांड कर रहा है। और इसकी पूरी वजह है क्योंकि जिसके इन्वेस्टमेंट है, जिसमें हमने मीहब जैसी कंपनी देखी, फोर्टिको देखी, गूगली देखी, इसके वैल्यूएशन बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों इसके साथ हमें करना क्या चाहिए? तो मेरा एडवाइस रहेगा सिंपल दोस्तों कि ये एक ऐसी कंपनी है जो स्टार्टअप आपको स्टार्टअप के लिए प्रॉक्सी दे रही है, जब आप इसके थ्रू स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकते हैं विद लो रिस्क, पर वैल्यूएशन यहाँ हाई है। तो आप क्या करने चाहिए? अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो रिस्क लेना पसंद करते हैं, रिस्क चाहते हैं, तो ये कंपनी है जो आपको बहुत हाई रिटर्न दे सकती है, क्योंकि अभी भी ये बहुत अर्ली स्टेज में है दोस्तों। पर इसमें इन्वेस्ट करेंगे आप तो आपको बहुत ज्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको देखना, ऐसा जरूर हो सकता है एक दो कंपनीज इनकी बंद हो जाए, राइट ऑफ करना पड़े और शेयर भी आप जानते हैं छोटी कंपनी है दोस्तों, तो बहुत ज्यादा लिक्विड होगा नहीं, इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा देखने मिलेगा डाउन साइड में भी अपसाइड में भी। तो अगर आपको रिस्क लेने की कैपेसिटी है तो ही इस कंपनी में इन्वेस्ट करिए और इसमें बहुत ज्यादा आपको पेशेंस देना पड़ेगा। अगर आप 5-7 years के हॉराइजन में देखिए तो कुछ ऐसी कंपनीज है जो $1 billion कंपनीज बन सकती है और आपका रिटर्न बहुत हाई हो सकता है दोस्तों। तो रिस्क कैपेसिटी अगर है दोस्तों आपको और आपको अगर इसके फाउंडर पे भरोसा हो रहा है और थोड़ा आप खुद का भी स्टडी कीजिए, इनके जो स्टार्टअप्स हैं उनके बारे में और जानने की कोशिश कीजिए। आप फोर्टिको के ऐप देख सकते हैं प्ले स्टोर पे, मीहब का न्यूज क्या है वो देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। और इसके अलावा आप जो भी स्टार्टअप्स मैंने मेंशन किए वो सब चेक कर सकते हैं, अगर आपको लगता है उसमें पोटेंशियल हाई है और आपको ये रिस्क लेना चाहिए क्योंकि ये कैलकुलेटेड रिस्क लग रहा है, हालांकि वैल्यूएशन हाई है, तो आप इसमें जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है कंपनी जो बहुत ज्यादा रिटर्न दे सकती है। तो इसमें अगर इन्वेस्ट करना है दोस्तों तो अभी डायरेक्ट इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि थोड़े आप मॉनिटर करते रहिए, क्वार्टरली देखिए कि कैसे अपडेट्स आ रहे हैं, अकॉर्डिंगली आप इसमें पैसे डालते रहिए। रिस्क हाई है दोस्तों पर रिवॉर्ड भी इसमें बहुत हाई हो सकता है दोस्तों। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।